फ्रेंड्स, आप हैं सुनील जैन के साथ और हमारा उद्देश्य है आपको सही और संपूर्ण जानकारी देना। मैं यहां पर आप सभी को 2017 और 18 में हुई फार्मूला वन रेस के बारे में बताऊंगा, जो कि जितनी भी फार्मूला वन रेसेस हुई हैं उन रेसों के बारे में कंप्लीट जानकारी मैं यहां पर आपको देने का प्रयास करूंगा और लगभग ट्रिक के माध्यम से पूरी जो भी रेस हुई है वह आप एक बार में याद कर लेंगे। मित्रों, यहां पर क्रमशः अपन इस पूरे वीडियो में सारी की सारी जो रेस हुई है फार्मूला वन उनको यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिससे जो भी मैं आगे वीडियो डालूंगा वह वीडियो आपके पास सीधा पहुंच जाया करेगा, जिससे आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। मित्रों, यहां पर देखते हैं जो लुइस हैमिल्टन थे, यह विक्टर्स टीम के हैं, विक्टर्स टीम के और मर्सिडीज विक्टर्स खिलाड़ी हैं, मर्सिडीज टीम के हैं। इन्होंने 2017 में इतनी सारी जो ग्रांड प्रीज हुई थी यह जीती थी। जितनी भी यह प्रतियोगिताएं हुई थी फार्मूला वन रेस की, मैक्सिकन ग्रांड प्री, यूएस ग्रांड प्री, विक्टर्स ग्रांड प्री, जो कि मलेशियन ग्रांड प्री, जापानीज ग्रांड प्री, सिंगापुर, इटालियन और बेल्जियन, इतनी इन्होंने जीती थी। यह आप लोग याद ना रखें अभी, क्योंकि जो अगला अपन याद रखने वाले हैं उससे अपन को ये याद हो जाएंगी। जो कि एक चीज याद रखने योग्य है, ये तो लुइस हैमिल्टन ने जीती थी, लेकिन जो सेकंड स्थान पर रहे थे वह थे वाल्टेरी वोटास। वाल्टेरी वोटास जो थे यहां पर सेकंड स्थान पर थे, ये बस यहां पर ध्यान रखने योग्य है। इनके अलावा जो ब्रिटिश ग्रांड प्री है, इन सारी ग्रांड प्रीज के अलावा जो यहां पर आप नाम देख लें, सेबेस्टियन वेट्टल, मैं आपको यह बता रहा हूं कि जो सेबेस्टियन वेट्टल थे ये थे सेकंड स्थान पर और लुइस हैमिल्टन जो थे वह थे फर्स्ट पर। तो जो इतनी यह ग्रांड प्रीज हुई हैं इनमें फर्स्ट तो थे लुइस हैमिल्टन और सेकंड थे सेबेस्टियन वेट्टल, ये यहां पर अपन ने देख लिया। अब आगे देखते हैं सेबेस्टियन वेट्टल ने कौन कौन सी ग्रांड प्री जीती और जो वाल्टेरी वोटास ने जीती, तो इनको अपन इस ट्रिक के माध्यम से समझ लेंगे, तो फिर अपन को ऊपर वाले याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो भी पेपर में पूछेंगे अपन डायरेक्ट लुइस हैमिल्टन लगा देंगे, क्योंकि लुइस हैमिल्टन ने लगातार 7-8 ग्रांड प्री जीती है अभी इस बार, तो ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है लुइस हैमिल्टन पर। चलिए देखते हैं सेबेस्टियन वेट्टल ने कौन कौन सी जीती। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स, बहरीन ग्रांड प्रिक्स, मोनाको ग्रांड प्रिक्स, हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स और ब्राजीलियन। तो मैंने यहां पर एक ट्रिक बनाई है कि ब्राजील में मोनाको बांटे हंगरी लोगों को, किसने? वेट्टल ने। इतना केवल आपको याद रखना है, ब्राजील में मोनाको बिस्किट जो आता है मोनाको नाम से, मोनाको बिस्किट आता है वही, तो ब्राजील में मोनाको बांटे हंगरी लोगों को वेट्टल ने। एक तो ये ट्रिक इसके माध्यम से भी यहां पर अपन कर सकते हैं, देखें ब्राजील से ब्राजीलियन, मोनाको से मोनाको ग्रांड प्री, बांटे बा से वहरीन और आ, बा आ दो निकलते हैं यहां पर, तो आ से ऑस्ट्रेलियन और हंगरी से हंगरी और वेट्टल से सेबेस्टियन वेट्टल, तो इन्होंने इस प्रकार से यह जीती। लेकिन एक और ट्रिक है इसके माध्यम से भी अपन इसे याद कर सकते हैं, ब्राजील आ मोनाको, बांट हंगरी लोगों को वेट्टल। ब्राजील आ जो मोनाको है, मतलब वेट्टल है, उससे बोल रहे हैं कि ब्राजील आ मोनाको बांट, ब्राजील आ मोनाको बांट हंगरी लोगों को, तो यहां सारे आ जाते हैं, ब्राजील से ब्राजीलियन, आ से ऑस्ट्रेलियन, मोनाको से मोनाको और बांट से वहरियन, जो वहरीन है, और हंगरी से हंगेरियन। तो केवल यह पांच आपको याद रखना है, पांच किसकी है? सेबेस्टियन वेट्टल की, ब्राजील आ मोनाको बांट हंगरी लोगों को। अगली कौन सी है? जो वाल्टेरी वोटास थे, इनकी दो है केवल, एक तो अबुधाबी ग्रांड प्रिक्स और दूसरी रशियन ग्रांड प्रिक्स। तो इसकी भी एक ट्रक है, रस बांटो अब्बू, या फिर अब्बू रस बांटो, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, आगे ले लें अब्बू रस बांटो। तो रस से रशियन, अब्बू से अबुधाबी और बांटो से वाल्टेरी। मित्रों, बहुत ही सरल ट्रिक है और ये अपनी यहां पर ट्रिक खत्म हो गई इन दोनों की। अब जितनी भी ग्राम प्रिक्स आ जाएं इनके अलावा, वो सारी जीती हैं किसने? लुइस हैमिल्टन ने।
मैक्सिकन, यूएस, विट्रिस, मलेशियन, जापानीज या जापान, जापानी ग्रामपिक्स, सिंगापुर, इटालियन और बेल्जियन, ये सारी जीती लुईस हैमिल्टन ने। केवल याद क्या रखना है अपन को, ब्राजील आ मोनाको बांट हंगरी लोगों को, ये हो गया। और दूसरा क्या है, रस बांटो अब्बू। और अगली जो ट्रिक है ये दोनों ट्रिक आपने याद रख ली तो फिर ये वाली ट्रिक याद रखने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मित्रों मुझे पता है आप लोगों को यह रट चुका होगा क्योंकि मैं जो तैयारी कर रहा हूं मैंने भी इसी ट्रिक के माध्यम से रटा है। मेरा जो भाई है उस भाई ने ये ट्रिक तैयार करके मुझे दी थी तो मैंने भी इससे तैयार किया है। आप लोग भी इसी प्रकार से तैयार करें। मित्रों मेरे पास जो भी इस प्रकार के वीडियोज होंगे मैं इस प्रकार के वीडियोज आपको लाने का प्रयास करूंगा 2017-18 और भी जो वीडियो है वह। इसलिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो यह सब्सक्राइब का बटन है यह प्रेस जरूर करें वीडियो बैक करने के बाद, और जो बेल आइकॉन है वह भी दबाएं जिससे कि आप लोग सीधे हमारे वीडियो से जुड़ पाएंगे और हम आपको और अच्छे से अच्छी जो भी वीडियोस होंगी वह लाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।